गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है वीरवार, मैं सुबह उठी हूँ, चीना वहीं पर ही हॉस्पिटल में ही है। आपको मैंने बताया था कि वो कहते मम्मी आप आराम कर लो, तो आज वीरवार है। मैंने उठ कर सुबह सुबह पूजा कर ली है, लड्डू गोपाल जी के, साईं बाबा जी के कपड़े चेंज करने थे। टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत पूजा करने में, उस दिन आरती करनी होती है, तो कपड़े वपड़े सारे मैंने गर्मी के पहना दिए। पहले मैंने फिर भी थोड़े मोटे पहना रखे थे, अब सारे के सारे गर्मी के पहना दिए। गर्मी आ चुकी है, तो बस चीना का फोन आया था कि मम्मी कन्नू ठीक है, तो कन्नू की हो सकता है आज भी छुट्टी हो सकती है, हो सकता है कल भी छुट्टी होगी, क्योंकि मेडिकल लिया हुआ है, कम से कम 2 दिन रखते ही हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि कन्नू ठीक हो जाएगा। कन्नू को एडमिट करने का कारण यही था कि पानी की कमी ना हो जाए, कि वहाँ ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाएगा ना, तो कन्नू को दिक्कत नहीं आएगी। चीना का फोन आया, मम्मी जी आप मूंगी मसरा की दाल वाला दलिया बना के दे दो, नमकीन। तो कन्नू वहाँ का दलिया नहीं खाएगा, उसको आदत है, कहता मैं तो मम्मी के हाथ का ही खाऊंगा। तो ठीक है, मैंने दलिया रख दिया है। और चीना ने फिर फोन करके बोला मम्मी आलू गाजर मटर वाले चावल भी बना देना, गोभी मत डालना। तो वो नहीं खाती, गोभी मैं खाती हूँ, तो फायदा क्या बच्चे ना खाए। तो मैंने आलू गोभी गाजर सब काट के रख दिया है, तो दलिया मेरा बन चुका है, बस चावल बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद तैयार होकर मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, तो सारा काम पीछे से आके राधा कर लेगी। आलू मटर गाजर वाले बिल्कुल पुलाव बन चुके हैं गाइस, देखो कैसे धुआं निकल रहा है गर्म गर्म ही। बस अब चीना के लिए एक ही थोड़े से चले जाऊंगी हॉस्पिटल, वहां भी खा लेगी। और कन्नू के लिए मैंने बना दिया ये मूंगी मसरा की दाल के साथ दलिया, मतलब चावल नहीं डाले मैंने, दलिया डाल दिया, सिर्फ टमाटर डाला है इसमें, ताकि साईं बाबा जी को भी, लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया है। बस हॉस्पिटल में भी कोई भी जरा से भी कपड़े पहन के जाओ, इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। पंखा चल रहा था फिर भी गर्मी लग रही थी, क्योंकि दरवाजे बंद रहते हैं। तो मैंने कॉटन का यह सूट निकाला है, मैं कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये कॉटन का ही सूट पहनते हैं, पसीने भी बहुत आने लग पड़ते हैं। तो कन्नू चलो जो वहाँ बीमार होते हैं वो तो कंबल डाल के बैठे रहते हैं, मुझसे तो बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी कंबलों में। तो बस अब मैं जा रही हूँ, डब्बा मैंने पैक कर लिया है, तो निकलती हूँ हॉस्पिटल की तरफ। डब्बा मैंने पैक कर लिया है डबल वाला, एक में चावल है, एक में दलिया है, और ये ऐसे भाप वाप निकल जाती है, गरम गरम है बिल्कुल, तो खा लेंगे। साथ में 2 चम्मच भी रख लिए हैं। अभी कन्नू का फोन आया था कि मम्मी कब आ रहे हो, मैं कब बस घर से निकल रही हूँ। अभी मैं निकी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल फिर है। अच्छा, मैंने बना दिया है दलिया, चावल बन गए। अच्छा, मैंने दलिया कन्नू खाएगा और चावल चीना खाएगी। हाँ अच्छा, तो बना दिया, मैंने भी थोड़े से चावल खा लिए। अच्छा, तो सही है वैसे तबीयत ना उसकी। हाँ, अभी फोन आया था कन्नू का, अच्छा, मम्मी आप निकले नहीं, मैं कहा निकल रही हूँ बस, मैं सूट ही पहना हुआ है, सूट भी कॉटन का ही पहन लिया। हाँ, तो अभी बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी लग रही है। तो वहाँ पे एसी चलते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं, पेशेंट के लिए अभी एसी तो ना इतना, अभी तो कंबल दे रहे हैं। अच्छा, हाँ पंखा चल रहा था, पंखा चलता है जिसे हम भी रात को पंखा चला के सोते हैं। हाँ हाँ, तो पंखा चलता है। ये देख गर्मी आ गई, पते नंगे हो गए, नंगे हो गए। हाँ, हम भी तो देखो टी शर्ट में आ गए, हाफ टी शर्ट तो पहनी हुई है। हाँ, तो फिर अभी थोड़े दिन में आधी में आ जाएंगे। हाँ, पूरी हट जाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ, तो भैया के लिए रोटी बना दी है मैंने। अच्छा, तो मैं बना देती रोटी? नहीं नहीं, बनाई देता, कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता तू बना देती, आगे भी बनाई देती, ठीक है ना, फिर जो काम हो जाए। मैंने हेमा को मना किया है फोन करके कि जिया जी भाई मैं जा रही हूँ, कहीं वो ना रोटी दे दे कई बार। अच्छा, तो वो कहती नहीं, मैंने कहा मैंने बना दी, उसको बोला है चावल है, दलिया है, दलिया खा लेंगे, थोड़े से चावल जो खाने होंगे। तो सब्जी पड़ी है, गोल्डी दे के गया था आलू, उसकी आलू पनीर की, पनीर आलू पनीर और छोलिया। वो छोलिया, हाँ वो भी पड़ी है। अच्छा, मैं बाहर निकाल के जा रही हूँ उनके लिए, मैं अपने गर्म कर लेंगे माइक्रोवेव में। अच्छा अच्छा, मैंने भी वही खानी है। हाँ, पहले मैंने सोचा था ऑफिस लेके जाऊंगी। हाँ, जो चिरोना थोड़ी सी खा लेगा, तो अभी तो फिर वही, तो पहले खाएंगे। चल ठीक है, मैं निकल जाती हूँ फटाफट। फिर कन्नू का फोन आएगा, मैंने कहा कहता आ रहे हो, मैं कहा इतनी देर हो गई, निकलूंगी मेट्रो में। मेट्रो में हाँ, सबसे बेस्ट मेट्रो। कितनी देर लगती है पहुँचने? 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, कितना है? अच्छा, तो सुभाष नगर जाओगे? नहीं, हाँ सुभाष नगर से करोल बाग तक तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, चल बाय बाय, जा रही हूँ मैं, रात को देखती हूँ आई आई नहीं आई, तो फिर तो भैया को रोटी बना दी, ठीक है? आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, दाल रात को बनाई थी पड़ी हुई है। अच्छा, और रात को खा ली। हाँ, तू बनाएगी तो दे दियो, ठीक है? ठीक। बस अभी अभी मैं कन्नू के पास आई हूँ, तो कन्नू लेटा हुआ, कैसा है बेटा? ठीक ही हूँ, कैसा था? ये तो यानी मस्त नहीं हूँ, पर ये तो मस्त हॉस्पिटल में कौन होता है? वो मस्त तो घर में होता है बंदा अपने बेड पे। दोनों हाथों में देख रहे हो? हाँ, छेद छेद। हाँ, छेद तो होंगे। अभी ये ठीक हो गया ना, ये 2 दिन हो गए, थोड़ा दर्द है। अब दर्द है ना, हो सकता है तेरा वो चेंज कर दे, वो तेरी छुट्टी आज नहीं होगी, कल पता नहीं, कल का फील हो रहा है। ठीक हो रहा है ना? नहीं, कल ही करेंगे मुझे, तक कल या परसों वो टेस्ट वेस्ट करके सारा। हाँ, तो ब्लड टेस्ट तो रोज ही कर रहे हैं वो।
तभी करके तेरे को पता है तूने मुझे फोन किया था मम्मी आप आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं निकल रही हूँ, जब मैं पहुंच गई रोड के ऊपर तो वापसी आई, मेरी दवाई रह गई थी। अच्छा सुबह भी? हाँ सुबह सुबह। हाँ भाई मैं लेट हो गए, मैं एक घंटे से भी ऊपर हो, मैंने दवाई भूल गई थी, तेरा फोन आया था ना सुबह जब। हाँ जी, तो सुबह जब फोन आया कि मम्मी आप आ रहे हो, मैं कहा बस अभी आ रही हूँ, तो बाहर चली गई रिक्शे तक चली गई, रिक्शे में बैठने लगी थी। हाँ बैठने लगी, मैंने हाँ याद आ गया, फटाफट घर भागी। हाँ घर भागी तो जाके दवाई का वो जो दवाई लेके आई। हाँ गलतियाँ देखना फिर सारी। अब चार्जर भूल गई, अब चार्जर भूल गई, अब चार्जर देखिए। अरे नहीं दिमाग में आया ना चार्जर भूल गई, कोई बात नहीं वो तो मैं मंगवा लूंगी चार्जर, वो ऑनलाइन से मैं मंगा लूंगी, दूर है ना तो घूम देने आएगा, रात को भी आ जाते। और तूने कुछ मैं दलिया लेके आई तो लिखा ले, मैं भी इनको खाया था दलिया, उनका भी दलिया खाया, सुबह भी खाया और थोड़ी देर पहले भी खाया। अच्छा इसमें आलू की सब्जी थी पूड़ी वाली, मैंने वो नहीं खाया। अच्छा चलो जो दे उनको जो सही लगता है तुझे देते हैं ना, मसाला नहीं है ना सब किसी चीज़। हाँ मसाला कहाँ हॉस्पिटल में मसाला थोड़ा मिलता है। अच्छा है मतलब सही है, ठीक है ना, चल तू आराम कर, मैं जरा एप्पल जूस। हाँ एप्पल जूस दे के मेरी बात सुन, मैं ना उधर जा रही हूँ टीपीए के साइड, वहाँ पर तेरा फॉर्म भर के देना है, ठीक है, पापा की फोटो लगा तू। हाँ तू लेट जा जब तक। बहुत सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कन्नू कैसा है, कन्नू कैसा है। थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना ध्यान रखते हो हमारे, हमारे बच्चों को ध्यान रखते हैं। किसी ने तो ये भी लिखा था कि कन्नू मुझे बहुत प्यारा लगता है, कन्नू को कुछ ना हो। थैंक यू सो मच। एक फ़ोन आया था मुझे ये पूजा कपूर जी का गाजियाबाद से, वो भी पूछ रहे थे, कहते मैंने आपका ब्लॉग देखा तो कन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो है ठीक ओके। हाँ जिम में जाऊंगा देखने, अगले साल तक बॉडी देखना अपना, अपना फिट है, ठीक कर दूंगा ना, बहुत हाँ। काम करूंगा अपनी बॉडी के ऊपर, एक बार बस ठीक हो जाओ। तो जिम क्या करता है, तीन चार महीने जाता है फिर छोड़ देता है ना, बोलना नहीं देता, खुद आप रोज देखना, कोई नहीं आप रोज अगर व्लॉग बनाओगे तो लोगों को भी दिखेगा आपको भी दिखेगी, कोई मैं बोल रहा हूँ ना कोई नहीं करूंगा। हाँ जिम जा अपना करके दिखाऊंगा फिर ही बोलूंगा मैं कोई चीज, ठीक है ना। और बाहर का खाना पीना बिल्कुल छोड़ दे, सारे कह रहे हैं कह रहे कन्नू बहुत सुंदर लड़का है, बहुत बच्चा बच्चा है, तो तू छोड़ दे, आज तेरी अभी बहुत है, क्या है तेरी 24 साल भी अभी उम्र नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ना, तला हुआ बिल्कुल, तला हुआ ये चीज़ें बिल्कुल मत खा। तो जिस दिन मैं गोलू के घर जा रही थी तो कन्नू मुझे छोड़ के आया था, कैब पे बिठा के आया, सब कुछ करा है, शाम को 7:30 बजे जैद से इतनी बातें कर रहा था, जैद तुबा यान सबसे बातें कर रहा था कि कोई मतलब कि हंस के बच्चे दिखा रहे थे, चलो बच्चे पहचानते तो नहीं आए थे ना, मगर जैसे उनको बोलो क्लैपिंग करो तो क्लैपिंग कर रहे थे बच्चे, तो इतनी देर बातें कर रहा था, सब कुछ था सब कुछ था, दो दिन बाद ही इसकी तबीयत खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, आप भी प्रेयर करो, मैं भी प्रेयर करूँगी कि ये जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइस आप सब कन्नू के अपडेट मांग रहे होंगे, तो मैं अभी शाम को ही आई थी, मम्मा आ गई थी तो मैं घर आ गई हूँ शाम को, और मैंने आके कोको बुच्ची को खाना दिया, पापा को खाना दिया, और उसके बाद मतलब आज कन्नू ने खिचड़ी फाइनली थोड़ी बहुत खा ली दाल के साथ, 4 दिन से उस लड़के ने कुछ भी नहीं खाया था। मैं खुद ऑयलिंग करके रोज़ जा रही थी आ रही थी, बहुत हेक्टिक हो रहा था, लेकिन बस ये होता है कि एक फैमिली मेम्बर घर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए होता। अब शायद कल इसके सारे टेस्ट है, ब्लड टेस्ट और जो भी है, फिर से ये टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कुछ गलत तो नहीं है, अगर कुछ होगा तो फिर आगे रिकवरी के लिए रखेंगे, नहीं तो उसका डिस्चार्ज हो जाएगा 1-2 दिन में। तो गाइस मतलब ऐसे कन्नू की अपडेट है। इनको आपको एक और अपडेट देनी है कि मम्मा और मेरी मासी के साथ मुंबई और शिरडी की टिकट्स हैं 20th की और 24th तक की, 20th से 24th। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर खुशहाल की तबीयत मतलब ठीक हो जाएगी कन्नू की, घर आ जाएगा तो हम चलेंगे, नहीं तो हम कैंसिल करेंगे। तो एकदम से क्या हुआ, अभी रात को मुझे पापा बोलते हैं मेरा ना बीपी और शुगर शायद बढ़ा हुआ है शायद, तो मैंने कहा काम करते हैं फटाफट चलते हैं टेस्ट करा के। तो मेरे पापा टेस्ट करा के तो नहीं बढ़ा हुआ था, बीपी हल्का बहुत फ्लक्चुएट करता, क्योंकि आपको पता है जिनको बीपी होता है उनका फ्लक्चुएट करता रहता है। तो पापा मुझे कहते हैं कि काम कर एक मेरे लिए ना कल के लिए फुल बॉडी चेकअप। तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको भी अपने घर से मंगवाना है किसी को तो रेड क्लिफ लैब्स करके ऐप है, मुझे पूजा है उसने अपने पापा के लिए मंगवाए थे, उनकी टांगों में दर्द था तो उसने अपने पापा के लिए लैब, मतलब घर आते हैं वो यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल लेते हैं और चले जाते हैं, तो रेड क्लिफ लैब्स है। कल जब सुबह आएंगे तो मैं व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो आए हैं और कैसे लेके जाते हैं। इसमें 98 टेस्ट है, मतलब सब कुछ जितने तो फुल बॉडी चेकअप है, तो 98 टेस्ट है इसमें गाइस। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अगर कुछ हुआ तो फिर हम पापा की ट्रीटमेंट कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। अभी फिलहाल हमारे यही है 2 डेज शिरडी 2 डेज मुंबई, होली से जस्ट पहले हम घर आ जाएंगे। और गाइस मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी थी, मेरे ना हाथ पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही, मुझे नहीं पता ये समर्स में हल्की बहुत शुरू हुई थी फिर हट गई,
फिर हुई हट गई, तो ये बहुत ज्यादा मतलब छोटे 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 बहुत दाने हो रहे हैं। अगर किसी को अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई स्किन स्पेशलिस्ट पता है तो प्लीज गाइज मुझे सजेस्ट करो। और मतलब बेस्ट हो दिल्ली में ही हो, वेस्ट दिल्ली हो तो बेटर है कि मतलब ये मेरी जो स्किन प्रॉब्लम है ना वो हटा दे। सो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट।